अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर नवाज़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कलामे हुज्जत। नाज़रीन अकराम, आपने पहले भी ये ख़बर सुनी और पढ़ी होगी कि सरदार वसीम अल्लबास बलोई साहब ने अपनी फाउंडेशन खुदाम आले मोहम्मद सिरात हक वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान की जानब से गरीब मरीज़ों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस चलाने का ऐलान किया था और आज उसका बाकायदा अफ्तिताह सियाल मोड़ ज़िला सरगोधा में कर दिया गया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि सरदार वसीम अल्लबास बलोई साहब ने अपने उस इफ्तिताह में क्या कहा है। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी तरफ से आने वाली अगली तमाम वीडियोस आपको मौसूल हो सके। और असी इस मिशन नु बहुत दूर तक हर इंसान की खिदमत करना चाहते हैं। असी मुसलमान तो दूर की गल है, सरकार ईसा अलैहि सलातो सलाम दा भी उम्मत ही है। वो दुख दर्द है तो असी उसकी भी खिदमत करना चाहते हैं। ये सिर्फ इंसानियत का दायरा है। इन विच इन विच कोई किसी फिरके की कोई कैद नहीं है। मुल्क और कौम और इमाम अस्सलाम की सलामती वास्ते बाबा जी ने बड़ी सोहनी दुआ की थी। गुलशन शहजाद शाह साहब आ गए, बाबा जफर बुखारी साहब, तमाम बुजुर्गान इलाके के मेरे नौजवान भाई आ गए, मेरी ताकत मेरे दुआ को सारे आ गए। अल्लाह मुहम्मद वाले बैत मुहम्मद सदका हमेशा आबाद रखे। तो महबूब तरीन काम है। एक लंगर खाने का भी सेवा का सीटा ला लिया, आगाज सा किया है। और उसका मतलब है आज तक वाकयात बड़े सोने हजरत मूसा अलैहि सलाम जदों भी किसी बंदे के लंगर की गल करो ना वो तो पहला थोड़ा जि पिछे हो जाओ नया देव साहब वो सारे पहली गल करते हजरत मूसा अलैहि सलाम के जमाने का एक बंदा ही मूसा के आज ऐ नबी अल्लाह मैंने अल्लाह तो एक मेरी मेरा जो रिज़्क लै दे हो गए आज जा उस वक्त के सब सर के पास मजरे से वो जी अल्लाह रिज़्क दे दिया तो दूसरे दिन जनाब अली उसको गए तो उसको जरूरत आई उस खा लिया जो बच गया उसको लगा पका के अल्लाह ने आज बट दिता नबी गुजरे तो मोड़ो इन देर लगा पाया।